मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में धर्म और जाति की सियासत नेताओं के नस नस में भरी हुई है। हर नेता धर्म और जाति के आधार पर खुद को सुपरमैन और सुपर पावर समझता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब हुकूमत ही सांप्रदायिक बन जाए, जब सरकार ही नफरत के एजेंडा पर उतर जाए, जब सरकार चलाने वाले दंगाई बन जाए, तब आवाम का क्या होगा? हमारे देश में जब से बुलडोजर चलाने का सिस्टम शुरू हुआ है, तब से इस बुलडोजर को जानबूझकर उन लोगों पर चलाया जाता है जिनको तकलीफ में देखकर कुछ लोगों के दिल को सुकून मिलता है। दूसरों की तकलीफ पर जश्न मनाने वाली गैंग उन लोगों पर जुल्म ढाती है जिनको बहुत ही कमजोर, बहुत पिछड़ा और मजलूम कहा जाता है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को इस नफरत से बहुत फायदा होता है। इस नफरत की बुनियाद पर उनको पहचान मिलती है, इसी नफरत की बुनियाद पर उनको सत्ता में पहुंचने का मौका मिलता है, इसी नफरत की बुनियाद पर सत्ता को कायम रखने की हरकत भी हमारे देश के नेताओं की आदत बन चुकी है। हमारे देश में भाजपा की सरकार आने के बाद इस नफरत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, खासकर जिस तरह से बीजेपी सरकारों ने धर्म की बुनियाद पर बुलडोजर के जरिए लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है, उसने लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील कर दिया, जहां जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती है। अगर मामला अदालत में पहुंचता है, जनता का पक्ष रखने के बजाय खुद के पक्ष को कमजोर कर दिया जाता है। यानी सरकार अपना पक्ष अगर मजबूती से नहीं रखेगी तो हार जाएगी, लेकिन इस हार से उन लोगों का नुकसान होगा जिनको निशाना बनाने की दिन रात कोशिश होती रहती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां 4,000 से ज़्यादा परिवार को बेघर होने की नौबत आ गई है। सबसे खास बात यह है कि इनके घरों और कॉलोनी को अवैध करार दिया गया, यानी इनके घर, मकान, दुकान सब रेलवे की ज़मीन पर बने हुए हैं। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जमीन पर अगर सब कुछ अतिक्रमण है, तो क्या इस अतिक्रमण को फैलाने में सरकार की कोई भूमिका है? क्या सरकार भी इस अतिक्रमण को फैलाने में शामिल है? क्योंकि जमीन पर सरकारी इमारतें भी बनी हुई हैं, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल भी इसी जमीन पर बने हुए हैं। चलो अगर कुछ देर के लिए इस ज़मीन पर बनी इमारतों को अवैध मान लिया जाए, इस ज़मीन पर राज्य सरकार ने सरकारी इमारतों को बनाकर खुद ही कैसे अवैध निर्माण कर लिया? क्या सरकार को खुद की बनाई इमारतें वैध नजर आ रही थी? आखिर इन 4,000 से ज़्यादा परिवारों का क्या होगा? बच्चे अपने स्कूल को बचाने के लिए इस ठंड के मौसम में सड़क पर हैं और उनके माँ बाप अपने आशियाने को बचाने के लिए सड़क पर हैं, लेकिन हुकूमत बिल्कुल खामोश है। इस खामोशी के पीछे एक खुशी है कि चलो इनके आशियाने पर एक बार बुलडोजर चलाने का मौका मिल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अवैध जमीन पर बनी इमारतों को क्यों नहीं गिराया जाना चाहिए, तो सवाल है कि क्या सरकार खुद अवैध काम कर सकती है? अगर चुनाव में अवैध कॉलोनियों से वोट लेना जायज है, तो कॉलोनियों को वैध क्यों नहीं बनाया जा सकता है? उस जमीन को बनी इमारतों को वैध क्यों नहीं ठहराया जा सकता? रेलवे की जमीन भी भारत का हिस्सा है और ये नागरिक भी भारतीय है। बेहतर तो यही है कि इन हजारों परिवारों के लिए सरकार कोई विकल्प तलाश करे। बेहतर तो यही होता कि सरकार इन लोगों के लिए आवास योजना के तहत कोई घर देती। हुकूमत में इतनी खामियां हैं कि अगर उनको गिनाया जाए तो दर्जनों खामियां सामने आ जाएंगी, लेकिन इन लोगों का क्या होगा जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं? कड़ाके की ठंड में क्या इनको सर्दी नहीं लगती? क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? क्या ये लोग भारतीय नहीं हैं? आखिर क्यों बेघर होने जा रहे हैं हजारों परिवार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तराखंड का हल्द्वानी इस वक्त शाहीन बाग बन चुका है, जिसमें हजारों बच्चे और महिलाएं और उनका परिवार सड़क पर ठिठुर रहा है, उनके आशियाने पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। इसी के साथ इन 4,000 लोगों के भविष्य पर खतरा है। अगर इनके घरों पर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो सवाल है कि सत्ता में बैठी सरकार आखिर इतना खामोश क्यों है?
इनके पुनर्वास की जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी। हल्द्वानी का गफूर बस्ती सड़क पर उतर चुका है। बीते 27 दिसंबर को हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद से ही जमकर विरोध हो रहा है और सड़कों पर उतर कर लोग सरकार से उन्हें बेघर न करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि ये जमीन रेलवे की है और इस पर अवैध कब्जा कर गफूर बस्ती को बसाया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने से पहले उनका विस्थापन करके कहीं और बसाए। फिलहाल प्रशासन ने 10 जनवरी तक के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही रोक दी है। प्रशासन का कहना है कि रेलवे की जमीन पर लगभग 4,500 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर कर धरना दे रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इनके प्रदर्शन को जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसकी वजह से तनाव का माहौल बन रहा है। दावा किया जा रहा है कि इलाके में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे की शुरुआत साल 1975 से हुई थी। इस जमीन पर कब्जा करने के लिए पहले यहाँ कच्ची झुग्गियाँ बनाई गई थी, जिन्हें बाद में पक्के मकान में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह से धीरे धीरे इबादतगाहों और अस्पतालों के रूप में अवैध कब्जे किए गए, लेकिन जब से कब्जे हो रहे थे तब रेलवे प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। बाद में साल 2016 में नैनीताल हाईकोर्ट से सख्ती के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन तब तक हजारों लोग यहाँ आबाद हो चुके थे। साल 2016 में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर यहाँ कब्जा कर जमे लोगों ने मुकदमा लड़ा, लेकिन वे कोर्ट में कब्जे से लेकर कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। लेकिन राज्य की सरकार भी इस मामले में कोई हल नहीं निकाल रही है। इनके दूसरे जगह पर आबाद करने का कोई भी विकल्प नहीं है। अगर इन लोगों को कहीं दूसरी जगह पर नहीं बसाया गया तो क्या उत्तराखंड की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा? जब इन जमीनों पर कब्जा जमाया जा रहा था तब सरकार क्यों खामोश थी? पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम को पत्र लिखकर मानवीय समाधान निकालने की अपील की है और कहा है कि बरसों से बसे लोगों को हटाने का निर्णय केवल कानूनी पक्ष नहीं है, इसका एक मानवीय पक्ष भी है। 50,000 से ज़्यादा लोग अपने मकानों से हटाए जाएंगे। वहीं इस मामले में शायर इमरान प्रतापगढ़ी काफ़ी एक्टिव हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जिंदगी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट आना हुआ है। हल्द्वानी के मजलूमों का घर ना उजाड़ने पाए, इसके इंसाफ के लिए हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश, प्रभारी देवेंद्र यादव ने वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमें 5 जनवरी की डेट मिली है। वहीं दूसरी तरफ सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने भी SLP दायर की है। उनके वकील प्रशांत भूषण और अन्य हैं। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को उनके पक्ष में कोई निर्णय लेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से लोगों ने राहत की उम्मीद लगाई है। उधर इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले गोलापार निवासी रविशंकर जोशी ने भी कैवियट दाखिल कर दी है। पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पहले ये जमीन 29 एकड़ बताई गई थी, लेकिन बाद में 79 एकड़ बता दी गई। गफूर बस्ती में 60 साल से भी अधिक समय से मंदिर, ओवरहेड टैंक, शिशु मंदिर और सीवर लाइन है। यदि ये रेलवे की जमीन है तो ये ओवरहेड टैंक और सीवर लाइन कैसे बना दी गई? यहाँ जमीन का बेनामा किया गया तो सरकार ने रेवेन्यू कैसे ले लिया? क्या तब ये रेलवे की जमीन नहीं थी? यहाँ वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इन लोगों के पुनर्वास के लिए कदम उठाने होंगे। इनके प्रति मान्य दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको बेघर ना किया जाए। हालांकि अब 5 जनवरी का इंतजार हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगी, लेकिन सवाल है कि अगर वाकई इस जमीन पर सरकारी इमारतें और सरकारी परियोजनाएं चल रही हैं तो फिर सरकार क्यों खामोश है? अब तो 5 जनवरी का इंतजार है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है। कहां तो तय था चुरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चुरागा हर एक घर के लिए, कहां चुराग मैसर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।